हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेती की फसल पर। आज हम जानेंगे कि जो गेहूं की फसल होती है उसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें कब स्प्रे करना चाहिए, किन अवस्था में स्प्रे करना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करने चाहिए। तो उसके लिए वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हमें जो उत्पादन बढ़ाने के लिए दाने में चमक और जो दाने में वजन बढ़ाने के लिए है, जो पहला प्रोडक्ट अच्छा है BSF कंपनी का, आपने नाम तो सुना ही होगा, प्राइजर। इसका जो है 5 से 6 बीघे में आप जो 360 ग्राम का जो पैक आता है उसका जो आप जो है अपने खेतों में स्प्रे करें। स्प्रे करने का जो समय है वह आपकी जो भरचक जो गेहूं में बालियां आ जाएं और बालियों के बाद गेहूं में की फसल जो है उसमें दाने आ जाए, फूल आने के बाद इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। आप जो है 5 से 6 बीघे में आपको जो है 360 ग्राम का जो स्प्रे करना है। यह फंगीसाइड है, बहुत ही शानदार है, इसका रिजल्ट भी अच्छा है। अगला है आप जो है पोटाश, गेहूं में आपको JU एग्री साइंस का JU पोटाश 2000 आता है, उसको 1 बीघे में 100 ग्राम लेना है और उसका जो है पाउडर फॉर्म में आता है तो आप उसका स्प्रे भी कर देंगे तो आपको उससे भी आपको जो है उत्पादन देखने को अच्छा मिलेगा। PI का जो हेडर आता है वह भी काफ़ी अच्छा है, अगर आप उसका जो स्प्रे करेंगे तो वह भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। और आपका अगर सस्ता प्रोडक्ट अच्छा चाहिए तो आप 0050 है, वह भी स्प्रे आप कर सकते हैं। और अगला प्रोडक्ट है हमारा फंगिस एग्जोस्टोबिन टेबिकोन झोल, इसका जो है 50 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से जो 1 लीटर है आप जो है 8 बीघे तक इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है, फंगिसाइड डालने से भी आपको उत्पादन काफ़ी अच्छे देखने को मिलेगा। अब जो है JU पोटास का जो है रेट क्या रहेगा, तो वह आपको जो है 900 ग्राम, 180 ग्राम, 540 ग्राम और 90 ग्राम इनकी पैकिंग आपको मिल जाएगी। इसका जो रेट है वह 900 ग्राम का है, आपको 2500 से 3600 रुपये के लगभग मिल जाएगा। अब BSF का जो प्राइजर है उसकी जो रेट की हम बात करें तो वह आपको 360 ग्राम का जो है 2400 से 2500 रुपये के लगभग खर्चा आ जाएगा। और जो है आपको 0050 जो है वह तो 120 रुपये से लगा कर तो जो है 150 रुपये किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगा। उसका जो डोज रखना है आपको 70 ग्राम प्रति पंप 15 लीटर वाले पंप में। और जो कस्टूडिया है इसका भी स्प्रे आप कर सकते हैं, जो डाइकोनाजोल, यह भी काफ़ी अच्छा है। और PI के हेडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने स्प्रे किए हैं, इसका रिजल्ट ज़रूर मिला। आप इन चारों प्रोडक्ट्स में किसी का भी आप अपने खेतों में स्प्रे करें, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। वीडियो में बनाए रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको बिना